Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास ठंडा ठंडा आइस लेके. आइस एज इन इंजन कूलेंट. सो आई बॉट दिस इंजन आइस कूलेंट. लास्ट टाइम भी मैंने एक बार यूज़ किया था पूरा 2 लीटर का. आई मीन 1.96 या 2 ही लीटर का गैलन आता है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है. जब तक मैं यूज़ कर रहा था तब तक बाइक ठीक चल रहा था. बट उसके बाद जब शेल का कूलेंट यूज़ करना शुरू किया तो इट वाज लाइक गुड. शेल का कूलेंट भी लाइक अच्छे ही है. बट फिर बीच में बाइक में इश्यूज आने लगे लाइक ओवरहीटिंग इश्यूज वगैरह. तो मैंने ऑर्डर किया था तो आज आया है कूलेंट. तो मैं लेके जा रहा हूँ समीर भाई के पास. समीर भाई मोटो मोड्स के ओनर हैं. चलते हैं मिलते हैं. छोटा सा गैरेज है बट मस्त काम करते हैं समीर भाई. बहुत नॉलेज है उनको हर चीज़ का. तो चलते हैं वहाँ पे और कूलेंट फ्लश करते हैं. अगर आपका कूलेंट बॉयल हो रहा है तो इट्स बेटर टू फ्लश इट लाइक प्रॉपर क्लीन इट. अपडेट योर कूलेंट लाइक मे बी दैट कूलेंट इज नॉट सूटेबल फॉर योर बाइक और समथिंग. सो चेंज द कूलेंट एंड एक्सपेरिमेंट विद योर बाइक. दैट्स व्हाट आई डिड. तो अभी जितना मुझे लगता है कि लाइक इंजन आइस मेरे बाइक के लिए तो बेस्ट है. मैंने मोटुल यूज़ किया था. हाँ नॉट दैट एज गुड एज इंजन आइस. और शेल का यूज़ करता था मैं स्टार्टिंग में. फिर किसी दोस्त ने मुझे बोला था कि भाई इंजन आइस यूज़ करके देख. एंड आई लाइक डिट. आई मीन लाइक यू नो ये बाइक खासकर हीट होती है यार बहुत ज़्यादा होती है. बट क्या हो रहा है यार. हीट होती है बहुत ज़्यादा होती है. बट क्या होना अगर हीट होता भी है ना तो कूलेंट बॉइल नहीं होना चाहिए. कूलेंट ऑयल होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है. फिर प्रॉपर इंजन कूल नहीं होता है उससे अलग ही मसला होता है. और फिर कूलेंट वेस्ट भी होता है बहुत क्योंकि बॉयल होकर नीचे गिर जाता है. और लोग फिर ट्रैफिक में अगर खड़े रहो तो लोग बोलते रहते हैं अरे सर आपके बाइक से कुछ गिर रहा है हरा हरा कलर का. वो भी एक मसला है. चलिए हम आ गए हैं समीर भाई से बात करवाते हैं आपको. अस्सलाम वालेकुम समीर भाई. गए अच्छा. तो ये रहा समीर भाई का गैरेज. छोटा सा है बहुत सही ओपन स्पेस है. लास्ट टाइम मैंने बाइक सर्विस यहीं पे कराया था तो मेरे को बहुत चीज़ जानने को मिला अपने बाइक के बारे में. तो राइट सो अभी तो कूलेंट लीक नहीं हो रहा. आई मीन बॉयल होके गिर नहीं रहा तो गुड. उन्होंने कुछ जुगाड़ किया था. जुगाड़ मुझे बताना नहीं है बट चलो. तो अभी रेडिएटर फैन बहुत सही काम कर रहा है. मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में. ये रहा इंजन आइस. इंजन आइस. और ये रहे समीर भाई. समीर भाई इतना लेट क्यों आज. शर्मा रहे.
ये रहा बाइक, तो अभी फ्लश शुरू होगा, थोड़ा रेडिएटर क्लीन वीन करके, तो देखते हैं चलते हैं। तो समीर भाई, ये ग्रीन कलर कूलेंट और ब्लू कलर कूलेंट में क्या कुछ फर्क रहता है या बस कलर ही है? कलर का बात नहीं है। आपको आइस कूलेंट में क्या होता है कि रेडिएटर को वो ठंडा करने में बहुत काम करता है। अच्छा, आइस कूलेंट ना बहुत अच्छा काम करता है कि मोटुल से भी बहुत अच्छा है कि एक्सपेशली अकुला प्रो के लिए। अच्छा सही है, तो आज हम लोग यही यूज करने वाले हैं। सही है। ऐसे भी तो हॉर्सलैंड गाड़ी बहुत कम है अकुला प्रो, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि इंजन आइस यूज करें। सही है, क्योंकि इसमें इंजन हीटिंग प्रॉब्लम बहुत आता है, कभी कभी रेडिएटर प्रॉब्लम होता है। रेडिएटर और इसमें अभी आता है कि आरआर हीटिंग कंपलसरी प्रॉब्लम है। आपको अकुला प्रो के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जितना होता है उतना अच्छा पार्ट यूज करें और अच्छा मोटर का इंजन आइस यूज करें। और इंजन आइस ये थोड़ा महंगा है लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा है। सही है, सही है। तो समीर भाई ने बोल दिया इंजन आइस यूज करना, बोलने से इंजन आइस यूज करना और कुछ नहीं। चलिए, तो उतना कूलेंट निकल चुका है, शेल पेट्रोल पंप का कूलेंट सारा निकल चुका है। जैसे ब्रेक ब्लीड करते हैं ना एयर बबल्स निकालने के लिए, तो उसी तरह कूलेंट को भी एयर बबल्स निकालने के लिए करना होता है या लाइक ऐसे डाल के ऑन करने से? नहीं, रेडिएटर में ना रेडिएटर में एयर लॉस होता है। उसके लिए कभी भी हम इसको पूरा एक बार स्टार्ट करके पूरा उसको कूलेंट क्लीन करने के बाद फिर थोड़ी देर फैन वर्क होगा, उसके बाद हम फिर से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये आप कभी हीटिंग में रिमूव नहीं करना चाहिए। सही है, बॉइल हो जाएगा। इसके लिए बस फैन ऑन होने के बाद थोड़ा देर के बाद जब ठंडा हो गया उसके बाद फिर से इसको रिमूव करके फिर से फिल करना पड़ेगा। अच्छा सही है। तो हो गया अपना कूलेंट फ्लश, नया इंजन आइस डाल चुके हैं, बाइक ठंडा ठंडा है। होपफुली